मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के लिए आपने आप इस देश के चौथा स्तंभ हैं। आप इन मजदूरों की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, समाज तक पहुंचाते हैं और आज आप इस कार्यक्रम में कितनी तादाद में मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक ऐसा संगठन और इसके संस्थापक आदरणीय श्री अरुण कुमार पासवान जी, जिन्होंने हिंदुस्तान के सरकार समाज सभी वर्गों को ये बताने का काम किए कि रेलवे माल गोदाम के मजदूर कितनी अहम भूमिका देश में निभाने का काम करते हैं और रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को भी उनका हक अधिकार मिल सकता है, वो भी कभी अपने बच्चों की जीवन की खुशियां सोच सकता है, उसको भी रेलवे कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो सकता है, उसको पूरे देश के समक्ष और रेलवे माल गोदाम के जगाने वाला अगर कोई है तो अरुण कुमार पासवान और ये संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के इतिहास में दो बार त्रिपक्षीय बैठक की कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। प्रथम त्रिपक्षीय बैठक 28 अक्टूबर 2003 को उस समय के तत्कालीन श्रम मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर श्याम सिंह वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस बैठक में जबकि इस देश में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के लिए पहली बैठक थी, उस बैठक में हमने सरकार से अनुरोध किया ये जटिल जो श्रम कानून है, जब तक इस श्रम कानूनों में संशोधन करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उसमें जोड़ा नहीं जाता है, इनके लिए बिल किया जाता है, तब तक ये पॉलिसी का जो काम है वो कानून कहीं न कहीं इन श्रमिकों के हक अधिकार में आड़े आ रहा है, उसे संशोधन करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उसमें जगह दिया जाए ताकि उनका हक अधिकार उनको प्राप्त हो सके।